नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। अयोध्या में पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने की बातों से निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इनकार किया है। उन्होंने मंदिर के अंदर पानी आने की दूसरी वजह बताई है। इससे पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने छत से पानी टपकने और मंदिर के अंदर भी पानी 4 इंच तक भरने की बात कही थी। नृपेंद्र मिश्र ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर की पहली मंजिल से बारिश का पानी टपक रहा है, क्योंकि मंदिर की दूसरी मंजिल पूरी तरह से खुली पड़ी है। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि इस समय राम मंदिर के चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिए अयोध्या में ही हूँ और मैंने मंदिर की पहली मंजिल से बारिश का पानी टपकते देखा है। हम इसकी उम्मीद कर रहे थे क्योंकि मंदिर की दूसरी मंजिल पूरी तरह से खुली हुई है। उन्होंने कहा कि मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण कार्य अगले महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरी मंजिल का काम शुरू होगा जो इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। मंदिर की पहली मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसीलिए मंदिर के गर्भगृह में नाली बंद कर दी गई है। मंदिर के गर्भगृह में पानी मैनुअल रूप से निकाला जा रहा है। पानी का इस तरह इकट्ठा होना या नीचे आना मंदिर के डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है। खुले फर्श से बारिश का पानी नीचे गिर ही सकता है। वहीं नृपेंद्र मिश्र का स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने सोमवार की सुबह छतों से पानी टपकने की बातें कही। मुख्य पुजारी ने यह भी कहा कि गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर गया है। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुआ तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अयोध्या में शनिवार रविवार की रात करीब 67 mm बारिश हुई है। इससे राम पथ पर भी कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं और पूरे शहर में जगह जगह पानी भर गया है। कई सड़कें धस भी गई हैं और कुछ महीने पहले बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर लंबी चारदीवारी भी ढह गई है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।